खबर झुंझुनू से है, जहां विद्या विहार नगर पालिका क्षेत्र में भगवान के नामों से संचालित स्वयं सहायता समूहों ने 110 क्विंटल राशन के गेहूं का गबन किया है। इन समूहों ने 110 क्विंटल के करीब गेहूं का गबन किया है, जिसके लिए उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के 34 राशन कार्डों में फर्जी तरीके से सदस्यों की संख्या बढ़ाई और फिर गेहूं उठाकर गबन कर दिया। जब इस मामले की शिकायत पहुंची और रसद विभाग की टीम ने 10 दिनों तक जांच की, तो ये हकीकत सामने आई। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि दो ई मित्रों और नगरपालिका ईओ की आईडी से ये यूनिट बढ़ाई गई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। ये संज्ञान में आया था नगरपालिका विद्या विहार तिलानी के जो उचित मूल्य दुकानदार हैं, स्वयं सहायता समूह है, उपभोक्ता ने ये शिकायत की थी कि सब मेरा राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें मेरे इतने यूनिट हैं और उससे अधिक यूनिटों पर वितरण दिखाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने जांच दल गठित किया था, राम अवतार प्रवर्तन निरीक्षक सूरजगढ़ और श्रीमती बबता यादव प्रवर्तन निरीक्षक का जिला रसद कार्यालय। उन्होंने दिनांक 20 से 25 तक मौके पर जाकर के जांच की और जांच में ये पाया कि डीलर द्वारा जो अनियमितता की गई है उसके लिए तो हमने डीलरों को निलंबित कर दिया है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं।